देखिए, ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के दावा के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है। इसे लेकर के एक याचिका भी सिविल कोर्ट में दायर की गई है। इसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया है। अदालत ने इस केस की सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख नियत की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन विजय कुमार गुप्ता ने नीलकंठ महादेव के पक्षकारों की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया है। पिछले दिनों अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल समेत 5 पक्षकारों की ओर से सिविल जज सीनियर डिवीजन बदायूं के कोर्ट में ये याचिका दायर की गई थी और इसमें जामा मस्जिद को राजा महिपाल का किला, नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया। अब कोर्ट इस बिंदु पर सुनवाई की तैयारी में है। इस मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार कर किया जाए या नहीं, ये अगली तारीख पर तय किया जाएगा। ये मामला बनता भी है या नहीं, इस पर अब सुनवाई होनी है क्योंकि तारीख मिल चुकी है। बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इलित्मिस आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद कोरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इलित्मिस, उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई। हमारा जो मुकदमा है भगवान नीलकंठ महादेव बनाम जामिया मस्जिद के नाम से सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में दायर हुआ, जिसके लिए ऑर्डर 108 का प्रार्थना पत्र हमारा स्वीकार करके 15/9 के लिए सुनवाई की तिथि लगा दी गई। अब बात उस मुस्लिम परिवार की जो मुस्लिम मौलानाओं के निशाने पर आ गया है और उनके खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया गया है। फतवा जारी होने के बाद मुस्लिम महिला ने भी मौलाना पर पलटवार किया है। बात जिहाद तक पहुंच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हाथ में गणपति बप्पा को लेकर घर में घुस रहा ये परिवार मौलानाओं की आंखों में चुभने लगा है। इस परिवार ने अपने घर में गणेश मूर्ति की स्थापना की तो ये बात मौलानाओं को नागवार गुजरी है और देवबंद से फतवा जारी कर दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी ये महिला रूबी आसिफ खान ने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी, जिसके बाद अब देवबंद के फतवा मोबाइल सर्विस के चेयरमैन ने वीडियो जारी कर इस परिवार को नसीहत दे दी है। हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के खजाना माने जाते हैं। इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वो मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वो अपने मजहब के खिलाफ करता है और वो हुक्म जारी होगा। जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के खिलाफ करने का होता है, ये दो बातें बिल्कुल वाज़े हैं। बेशक मौलानाओं को मुस्लिम परिवार का गणेश पूजन रास नहीं आया, लेकिन अपने घर में गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने वाली महिला ने करारा पलटवार किया है और ऐसे फतवे जारी करने वालों को जिहादी तक कह दिया है। मैं ये कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है, इनको बोलने से मतलब। अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और हर कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ। इस मुस्लिम महिला का कहना है कि ऐसे मौलानाओं की बातों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो हमेशा से हिंदू मुस्लिम के सभी त्योहारों को मनाती आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। लखनऊ से खबर है जहां शिवपाल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बताएं 2024 लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से उम्मीदवार हो सकते हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव के चुनाव न लड़ने पर शिवपाल यादव के नाम को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये चर्चा तेज है। मुलायम सिंह यादव अस्वस्थ हैं।
मुलायम सिंह यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है और इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि उम्मीद बेहद कम है मुलायम सिंह यादव के चुनाव लड़ने की। ऐसे में शिवपाल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत में यह है कि प्रसपा से या सपा से चुनाव चिन्ह क्या होगा, क्योंकि अगर देखा जाए जसवंत नगर से वो विधायक है लेकिन उनका सिंबल रहा है साइकिल समाजवादी पार्टी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी से एक चिट्ठी के बाद जैसे किनारा हो चुका है, उसका क्या असर होगा 24 में, चुनाव चिन्ह क्या होगा। लेकिन ये कयास बड़ी तेजी से लगाया जा रहा है कि मैनपुरी से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि नेताजी के स्वास्थ्य को देखते हुए उनके चुनाव लड़ने पर उम्मीद कम जताई जा रही है। ज्यादा उम्मीद इस बात के है कि उनके चुनाव नहीं लड़ने पर कोई और ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन उसमें भी नाम सामने आ रहा है शिवपाल यादव का। बड़ी खबर है लखनऊ से, एनआरसी की तर्ज पर यूपी में एससीआर बनेगा, यह जानकारी आ रही है। राज्य की राजधानी क्षेत्र गठित करने का यह फैसला सरकार का है और विकास को रफ्तार देने के लिए सीएम योगी ने यह फैसला लिया है। आपको बताएं लखनऊ के आसपास के जिलों में किया जाएगा को जिलों को इसमें शामिल किया जाएगा। एनआरसी के तर्ज पर यूपी में एससीआर बनेगा, राज्य राजधानी क्षेत्र गठित करने का सरकार का यह फैसला है। विकास की रफ्तार को धार देने के लिए सीएम योगी ने यह फैसला लिया, ये बात सामने आ रही है। लखनऊ के आसपास जो जिले हैं उनको शामिल किया जाएगा। लखनऊ के आसपास के जिलों की बात कर ले तो बाराबंकी और हरदोई, तमाम ऐसे जिले हैं जिनके शामिल करने की अब उम्मीद जताई जा रही है। यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र एससीआर एनआरसी की तर्ज पर इसे गठित करने की बड़ी जानकारी आ रही है। सीएम योगी ने यह बड़ा फैसला लिया है, मकसद विकास को रफ्तार देना। एनसीआर की तर्ज पर एनसीआर की तर्ज पर यूपी में एससीआर बनाने की कवायद तेज हो गई है, जहां पर आसपास के जिलों को शामिल करने का यह बड़ा फैसला सीएम योगी का, जहां एक पूरे रीजन को विकसित करने की यह कवायद होगी। न सिर्फ राजधानी का विकास होगा बल्कि आसपास के जिलों को जोड़ करके एक साथ उन्हें देखा जाएगा। चलिए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का रुख करते हैं। देखिए एनसीआर को विकसित करने के लिए जहां भले ही यहां पर तीन राज्यों का जिक्र होता हो, लेकिन लखनऊ की बात कर ले विवेक, तो कौन कौन से ऐसे जिले होंगे और किस तरीके से इस स्कीम को लाया जाएगा, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना ये साउंड कर रही है, समझ में आ रही है। इससे पहले कि आप जिलों की बात करें, एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहेंगे। दिल्ली की स्थिति आपने देखी, आप वहीं उधर ही नोएडा में रहती हैं। दिल्ली में आज से 25-30 साल पहले जब दबाव बढ़ा, लोग सभी लोग दिल्ली में रहना चाहते थे, चाहे वो हरियाणा के हों, गुड़गांव के हों, यूपी के बहुत सारे जो सटे हुए शहर हैं, जिले हैं, उनके लोग जाते थे दिल्ली, वहीं रहना चाहते थे। उस दौरान इतना प्रेशर बढ़ गया दिल्ली पर और औद्योगिकीकरण की जो संभावनाएँ थी वो ख़त्म होने लगी। इसके बाद एक एनसीआर का एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और बहुत सारे आसपास के जनपदों को, कई राज्य जो दिल्ली से सटे हुए हैं, उनको मिला के एनसीआर बनाया गया। वही स्थिति अब लखनऊ में भी है। लखनऊ में पिछले 20 सालों में इतना विकास हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, राजधानी है, सभी लोग यहां पर रहना चाहते हैं, सभी आना चाहते हैं, यहां बसना चाहते हैं, यहां कारोबार करना शुरू करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो एससीआर है, यानी राज्य विकसित क्षेत्र बनाने की इसको जो एक संकल्पना है, वो मुख्यमंत्री ने कल बैठक में चर्चा की है इस बारे में। और सबसे खास बात यह है कि जब हम जिलों की बात करते हैं, जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी जनपद हैं, यानी जो सटे हुए बॉर्डर से हैं, उनमें एक दूरी होती थी 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर होते थे, लेकिन अब ये दायरा लखनऊ में ख़त्म है। यहाँ से आप 20 किलोमीटर जाएंगे, 15 किलोमीटर तो बाराबंकी है, 15 किलोमीटर पर उन्नाव है, 30 किलोमीटर पर रायबरेली है, 35 किलोमीटर पर सीतापुर है, यानी सभी जिले आसपास के सटे हुए हैं, वो 15-20-25-30 किलोमीटर पर सटे हुए। तो ऐसे में लखनऊ में ज़मीनें तो ख़त्म हो गई हैं, जितनी ज़मीनें औद्योगिकरण के लिए चाहिए वो ज़मीनें नहीं हैं, जो लोगों के रहने के लिए आवासीय योजनाओं के लिए चाहिए वो ज़मीनें नहीं हैं। एक बड़ा एरिया आम पट्टी के लिए चला जाता है, वो इंटरनेशनल डिमांड है उसकी, जो मलियाबाद, काकोरी और उधर निगुहा की तरफ हम बात करें तो वो बड़ा आम पट्टी क्षेत्र है, फल क्षेत्र है, वहाँ पर आप औद्योगिकरण अगर डेवलप नहीं कर सकते। तो ऐसे में ज़रूरत हुई कि इन सब जनपदों को मिला के एक जो एससीआर है वो डेवलप किया जाए, ताकि लखनऊ में दबाव कम हो और आसपास के जनपदों में, यानी रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी,
उन्नाव और उसके साथ ही कानपुर नगर और कानपुर देहात, यानी ये 6 जिलों को जोड़कर SCR डेवलप करने का एक कॉन्सेप्ट योगी सरकार करने जा रही है। बहुत जल्दी इस पर चर्चा होगी क्योंकि कल जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज की बैठक थी। बिल्कुल, इसे कंप्लीट कीजिए। बैठक में क्या हुआ जी? कल जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की बैठक हुई थी उसमें आवास विभाग से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी थे। वहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी ज़रूरत है लखनऊ के लिए, क्योंकि यहाँ पर और चीज़ें डेवलप करनी है उद्योगों के लिए, चूँकि जनवरी 2023 में एक बड़ी समिट भी होने वाली है, इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर्स को आमंत्रित कर रहे हैं, लखनऊ के आसपास के एरिया को डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाने की तैयारी है। इंडस्ट्रियल एरिया जो है सरोजनी नगर में उसको भी डेवलप करना है, बहुत सारे नए उद्योग आएंगे, रोजगार सृजन होगा, तो इन सब चीज़ों को लेकर समझ में आ रही है विवेक कि जैसे कि विकास का केंद्रीकरण हो गया है, विकास सेंट्रलाइज, जो ग्रोथ है वो सेंट्रलाइज हो चुकी है लखनऊ में, इसे थोड़ा फैलाया जाए, इसका दायरा बढ़ाया जाए ताकि लोड सिर्फ एक जगह पर ना हो, केंद्र बिंदु ना बने, बल्कि आसपास बड़ा रेडियस हो जिसमें कई जिले आए और ज्यादा स्पेस मिले फैलने के लिए इंडस्ट्रीज के लिए। ये अच्छी पहल है, देखते हैं कि इस पे किस तरीके का खाका तैयार होता है। विवेक शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है लखनऊ से, अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार मेला लगेगा, ये बड़ी खबर आ रही है। अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को रोजगार देने के लिए ये मेला लगाया जाएगा। 9 सितंबर को मेले को लेकर की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी की इस बैठक में उन्हें बुलाया गया है। अब तमाम लोगों को बुलाया गया है। जब इस बड़ी बैठक का मकसद है युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए ये बड़ी कोशिश है। युवाओं को रोजगार देने के लिए एक मेला लगाया जाएगा। 9 सितंबर को मेले को लेकर के एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने यह बैठक बुलाई है। अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें सशक्त बनाना होगा और इसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, ये बताइए कि किस तरीके से इसका खाका तैयार किया जाएगा, कैसे पता लगाया जाएगा कौन कौन कहां कहां किस जगह से युवाओं को बुलाना है, थोड़ा समझाइए। इसलिए लता, जब से योगी सरकार बनी है अल्पसंख्यकों को लेकर तमाम सरकारी योजनाएं शुरू हुई हैं और उनको एक तरह से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बहुत कोशिशें शुरू की हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हो, सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। अब सबसे बड़ी पहल जो है वो रोजगार मेला आयोजित करने की है, क्योंकि जो योजनाएं हैं बहुत सारी ऐसी हैं, चूंकि शिक्षा का अभाव है इसलिए बहुत सारे लोग, जागरूकता का अभाव है, बहुत सारे संपर्क नहीं कर पाते हैं, सरकारी दफ्तरों में नहीं जा पाते हैं, वहां पर अपने लिए जो योजनाएं हैं उनका क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है, क्या मानक मापदंड पैमाना होना चाहिए, इन चीजों को समझ नहीं पाते हैं। तो रोजगार मेले में ये सब चीजें उनको बताई जाएंगी और जिस तरह का जो रोजगार करना चाहता है, यानी अगर कोई बेकरी खोलना चाहता है तो उसके लिए क्या होगा, किस तरह से वो शुरुआत करेगा, उसके लिए लोन कहाँ से मिलेगा, लोन की क्या शर्तें होंगी, कितना लोन मिल सकता है, उसका जो प्रोफाइल देखा जाएगा, उसके बाद तय किया जाएगा कि किस तरह का रोजगार कर सकता है और क्या उसकी इच्छा है। अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है, छोटी मोटी फैक्ट्री, जैसे जो ब्रेड फैक्ट्री होती है वो, या कोई भी छोटी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, इकाई है, वो खोलना चाहता है। विवेक देख लीजिए, एक छोटा एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऑटो ही लोन पर लेकर के चलाना चाहता है, अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे कहां कहां से कौन कौन सी मदद मिल सकती है, इन तमाम जानकारियों को इकट्ठा एक जगह पर एक छत के नीचे दिया जाएगा। देखते हैं इसका असर कितना होता है। विवेक शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दातनगर से खबर है, युवक की पेड़ से बांध कर पिटाई का मामला सामने आया है। दबंगों ने युवक को पेड़ से बांधा और लाठी डंडों से पीटा है। ये पूरा मामला भवानीगंज के गुलहरिया गाँव का बताया जा रहा है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन जरा देखिए कि ये लोग अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी शख्स को तमाशा बना करके इस तरीके से पीटते दिखाई दे रहे हैं। भवानीगंज का मामला है और यहाँ पर सवालिया निशान कानून व्यवस्था पर है। क्या खाकी पर इकबाल नहीं है, भरोसा नहीं है? तो देखिए, इन लोगों का कोई आपसी मामला लग रहा है और इस पूरे मामले में इन लोगों ने इस शख्स को पेड़ पर बांधा और एक एक करके लोगों को पीटते देख सकते हैं। सिंगेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सिंगेश, ये बताइए, इस इलाके में क्या पुलिस की आवाजाही नहीं है, यहाँ पर लोगों के भीतर डर नहीं है, क्या इंसाफ करने के लिए खुद ही जिम्मेदारी ले ली है यहाँ के लोगों ने?
जी देखिए, किस प्रकार से ये वीडियो वायरल हुआ है उस हिसाब से तो अंदाजा यही लगाया जा सकता है, जबकि ये भवानीगंज थाने मतलब ये थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। और अब तक ये कोई कह रहा है कि ये प्रेमी और प्रेमिका का मामला है, तो कोई इसे पुरानी रंजिश का मामला बता रहा है। ऐसे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर ये मामला क्यों है, लोग इस युवक को आखिर पेड़ में बांध कर क्यों पीट रहे हैं। कौन है ये लोग जो ये मार रहे हैं, इनके बारे में जानकारी है? इनके बारे में भी कोई जानकारी निकल के नहीं आ रही है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में ले लिया है और इस पर आगे की कार्रवाई भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है पुलिस ने। अच्छा, संज्ञान ले लिया इस पूरे मामले को, लेकिन ये नहीं पता है कि इस वीडियो में कौन है, कहाँ के लोग हैं, और कहा यह जा रहा है कि कार्रवाई होगी। नजर बना करके रखिएगा संघेश की, कौन सी कार्रवाई कहाँ पे होती है, किस पे होती है, ये जानना अब जरूरी हो गया है। शुक्रिया। देहरादून से खबर मिल रही है, यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक मामले में 33वीं गिरफ्तारी की खबर आ गई है। आयोग में तैनात पीआरजी कर्मचारी संजय राणा गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। अपनी पत्नी को प्रश्न पत्र देकर परीक्षा में चयनित कराया था, ये लीजिए, इन्होंने प्रश्न पत्र अपनी पत्नी को देकर के उन्हें चयनित भी करा दिया। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा का। रवि, जितने तरीके से ये जांच निकलती जा रही है, जांच की परतें खुलती जा रही हैं, एक एक करके चौंकाने वाले मामले आ रहे हैं। कौन है ये महोदय जिन्होंने अपनी पत्नी को प्रश्न पत्र देकर चयनित भी करा दिया? बिल्कुल सुनीलता, देखिए ये आयोग का पीआरडी कर्मचारी है जो आयोग में अभी तैनात था, और इसकी अरेस्टिंग हो गई है क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में एक पीआरडी जवान मनोज जोशी गिरफ्तार हुआ था, तो उनके साथ ही ये उसका ही साथी है, और जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक मामले में मनोज जोशी की पूरी तरीके से संलिप्तता थी, तो उसी के साथ मिलकर इसने पहले ही जब पेपर चुराया गया था तो अपनी पत्नी को उपलब्ध करा दिया था। और जब प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के बाद इसकी जो पत्नी है वो भी परीक्षा में चयनित हो गई थी। तो ऐसे में इस तरीके से कहा जा सकता है कि जो आयोग के भीतर के तमाम कर्मचारियों पर तो सवाल उठ ही रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि पीआरडी जवान जो बाहर एक तैनात रहता है सुरक्षा के लिए, उसके हाथ जब इतना बड़ा प्रश्न पत्र लग जाता है तो जो अन्य मजाक है सिस्टम का रवि, ये तो मतलब कटेगा केक बंटेगा केक, किससे किसके किसके पास ऊपर से नीचे तक इसका कोई था ही नहीं लग रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर सुनिता, देखिए यही बात है कि जब इतने छोटे कर्मचारी को हाथ जब पेपर लग गया है तो तमाम जो बड़े अधिकारियों पर जो सवाल उठ रहे हैं उस वक्त जो पदों पर रहे हैं, तो इसी वजह से एसटीएफ की जांच अब आगे बढ़ रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूर्व सचिव संतोष बडोनी को निलंबित कर दिया है, अब आगे किस तरीके की जांच। लेकिन कब तक इन छोटे छोटे प्यादों को पकड़ते रहेंगे भाई, कहां से ये पेपर हाथ में लग रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है, वो वहां तक कब पहुंचेंगे? बिल्कुल सुनीता, देखिए अभी जिन भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो पीआरडी जवान है या फिर तमाम ऐसे लोग हैं जो छोटे कर्मचारी हैं। हालांकि जो प्रिंटिंग प्रेस की कंपनी है उसके मालिक की गिरफ्तारी राजेश चौहान की हुई है, ये बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर माना जा रहा है, लेकिन आयोग के लोगों की जो सलेता के बाद जो लगातार सवाल उठे उस पर एसटीएफ को आगे जांच बढ़ानी होगी। और इस वजह से क्योंकि मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं कि कोई भी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल रवि, ये उत्तराखंड की जनता को झांसा देने के लिए संख्या मत बढ़ाइए, नंबर मत गिनवाइए। एक और पीआरडी का जवान मिल गया जिसने अपने बीवी को पेपर दे दिया और पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई, लो जी इससे खाना पूर्ति होगी, लेकिन असली असली जो गुनाहगार है, जिसके जिम्मेदारी है, जिस वजह से इस तरीके से ये पर्चा बंटा है, उस तक पहुंचना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हमारी मुहिम है, हम लगातार इस खबर को दिखाते रहेंगे, पूछते रहेंगे प्रशासन से ये सवाल कि आखिरकार ये छोटे छोटे लोगों के पास तो आ गया पेपर, लेकिन बंटा कैसे, कौन है इसका बड़ा गुनाहगार, उस तक कब पहुंचेंगे। रवि शुक्रिया, आप नजर बना करके रखिएगा इस पूरे मामले पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।